Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and studying very well at your homes. So let's start today with our topic, that is the transport of oxygen. Transport of oxygen that takes place by two ways. One is the oxygen is being transported in the form of solution, and other the oxygen is transported as ऑक्सीहीमोग्लोबिन. दैट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ. हीमोग्लोबिन इज व्हाट? इट इज योर रेस्पिरेटरी पिगमेंट. सो ऑक्सीजन व्हेन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कैसे ट्रांसफर होता है. अब ऑक्सीजन जो है वो हम लंग से ले रहे हैं, हमने अभी पढ़ा है रेस्पिरेशन में. तो लंग से जो ऑक्सीजन आ रही है बेटा, वो हमें बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचानी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ फूड नहीं कर पाएंगे. और अगर फूड की ब्रेकिंग नहीं होगी तो हमें एनर्जी जो है वो नहीं मिलेगी. सो एवरी सेल ऑफ योर बॉडी दैट नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, फॉर दैट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सोल्यूशन फॉर्म में. 1 to 3% ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 ml इन ईच 100 ml ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म. आप जानते हैं हमारा ब्लड जो है वो एक लिक्विड है, और उसमें प्लाज्मा जो है वो प्रेजेंट होता है. तो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में जो है आपका जो हमारा ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है. लेकिन जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है बेटा? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में होना होता है उसकी वैल्यू काफी कम हो जाती है. आप देख रहे हैं यहां पर वैल्यू कितनी है, 0.3 ml पर डेसीलीटर और पर 100 ml. यहां पर वैल्यू जो है इससे हाफ हो गई है, वो हो गई है 0.15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड. यानी कि ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द सॉल्यूशन फॉर्म इज रिड्यूस्ड टू 50% और द हाफ. यानी कि और कम ट्रांसपोर्ट होगा सॉल्यूशन फॉर्म में. ज्यादा ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होगा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन के ही फॉर्म में. Right now the second type, that is the transport of oxygen in the form of the oxyhemoglobin. तो अगर 1 to 3% जो है वो solution form में हो रहा है, अगर हमारा 1 to 3% solution form में हो रहा है तो बाकी बचा हुआ 97 to 99% of oxygen जो है वो आपका as a oxyhemoglobin ही transport होता है. तो यहां पर कितना है, 100 ml में कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है? 0.3 ml. तो यहां पर कितना हो रहा है, 19.8 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द बाउंड फॉर्म, जिसमें ऑक्सीजन जो है जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. सो 19.8 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड. तो 19.8 ml ट्रांसफर होता है, ये बात हम कल भी पढ़ चुके हैं. Now, अब हीमोग्लोबिन के बारे में हमें थोड़ा सा जो है पता होना चाहिए. ये आपको मैंने जेनेटिक्स में भी बताया था, हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. बेटा जब हम आपको एंजाइम्स करवाएंगे तो आपको बताएंगे थोड़ा सा कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ होते हैं जो पूरी तरह से प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम. तो हीमोग्लोबिन जो है वो आपका एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, जिसमें कि एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है. इसमें ये दो चीजों से मिलके बना है, हीम और ग्लोबिन. ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, वेयर एज योर हीम इज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन. तो जो आपका ग्लोबिन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स में कि इसमें दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स होती हैं. हमने म्यूटेशन किया था, सिकल सेल अनिमिया किया था, वहां हमने बताया था कि बीटा चेन में क्या चेंजेस आने से जो हमारे आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज द हीमोग्लोबिन. नाउ
अब आपका जो हीम है वो है नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो नॉन प्रोटीन पार्ट में क्या होता है बेटा, इसमें आएंगे हमारी चार आयरन पॉर्फारिन प्रोस्थेटिक ग्रुप, हमारे चार रिंग लाइक पॉर्फारिन रिंग्स होती हैं चार, आपके बुक में डायग्राम भी दिया है। और हर एक ईच पॉर्फारिन मॉलिक्यूल हैज आयरन एट इट्स सेंटर, हर एक पॉर्फारिन रिंग के बीच में जो है वो एक आयरन मॉलिक्यूल होगा। अगर आप अपनी बुक का डायग्राम देखें तो दिस इज द सिंगल पॉर्फारिन रिंग, एक पॉर्फारिन रिंग है, उसके बीच में ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ आपका आयरन जुड़ा हुआ है। ईच आयरन हैव द कैपेबिलिटी टू कंबाइन विद वन ओ टू मॉलिक्यूल। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें बेटा, उसमें चार, उसमें आपकी फोर फोर आयरन रिंग्स होती हैं, आयरन पॉर्फारिन रिंग होती है। तो फोर आयरन पॉर्फारिन रिंग होने की वजह से एक जो आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो चार, चार रिंग्स है ना, चार रिंग्स जो है वो चार आगे चल के चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी सैचुरेशन कि कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है या ज्यादा जरूरत है हमारी बॉडी को तो चारों के चारों जो साइट्स हैं ऑक्सीजन की वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी। अगर कम जरूरत है या कम ऑक्सीजन अवेलेबल है तो कंडीशन कुछ और होगी, ठीक है। सो ईच आयरन पॉर्फारिन जो रिंग है उसके सेंटर में आयरन है और एक आयरन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। एंड इन सैचुरेटेड कंडीशन, जब हमारा हीमोग्लोबिन जो है 97, 99 या 100% सैचुरेटेड होता है, उस समय पे चार जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर सकते हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ। नाउ नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि ये देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे आपका कि हीमोग्लोबिन हैज फोर आयरन मॉलिक्यूल सो ईच कैन कंबाइन विद वन मॉलिक्यूल। तो ये हमारा छोटा सा एक रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, Hb मींस हीमोग्लोबिन, ये ध्यान रखना आपने, Hb या हीमोग्लोबिन जिसमें कि आपका ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है उसका कुछ ब्लूइश पर्पलिश सा कलर होता है, ठीक है। जब चार ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा Hb4O8 जो रेड कलर का होगा और जो आपकी आर्टरीज में ब्लड है वो रेडिश दिखता है, ठीक है। पर्पलिश जो है वो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, वो ब्लड हमें पर्पलिश ब्लूइश पर्पलिश सा दिखता है। तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से कंबाइन होना, ये कंडीशन कहां देखने को मिलेगी, लंग्स में। जबकि टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में क्या होगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा और इट विल रिलीज ऑक्सीजन सो दैट द ऑक्सीजन दैट कैन बी यूटिलाइज बाय द टिश्यू फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। सो व्हाट इज ऑक्सीजनेशन, दैट इज द कंबाइनिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजनेशन। नाउ द बाइंडिंग ऑफ O2, अब O2 कितने बाइंड करेंगे वो डिपेंड करेगा हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन के ऊपर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो कि जितना कितना O2 चार, अब मैक्सिमम जो है एक हीमोग्लोबिन के साथ चार ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सैचुरेशन है या बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन दैट डिपेंड अपॉन सम कंडीशंस एंड नाउ वी लुक दिस कंडीशन, दैट इज इंक्रीज इन PO2 ऑफ द एल्वियोलर एयर। PO2 इज द, पी इज व्हाट, इट इज द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज व्हाट, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर विच अ गैस एक्सर्ट इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। वो इस ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर, जब ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल होगी यानी कि आप जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर पाएगा। इंक्रीज विद डिक्रीज इन CO2 ऑफ ब्लड, अगर आपके ब्लड में CO2 कम है, अगर आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो रहा है तब भी क्या होगा, आपकी जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नाउ
एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो क्या है कि आपका जो ब्लड है इट विल टेक 0.7 सेकेंड्स, आपका ब्लड जो है सिर्फ 0.7 सेकेंड में पूरे लंग्स का चक्कर लगा देता है, यानी कि इट पासिस थ्रू ऑल द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड यू नो द सर्फेस एरिया ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज, जो पल्मोनरी कैपिलरीज आपके लंग एल्वियोलाई के चारों ओर है, उनका जो सर्फेस एरिया लगभग 100 स्क्वेयर मीटर होता है। नाउ इमेजिन 100 स्क्वेयर मीटर, 1 मीटर कितना लंबा होता है, हम जो सूट लेते हैं ना उसकी 4 मीटर लंबाई होती है लड़कियों, तो सोचो 100 मीटर, 100 स्क्वेयर मीटर की दूरी जो है वो आपका ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर सिर्फ 0.7 सेकेंड में ही कवर कर लेता है, और उतने से ही टाइम में बाहर से आने वाली ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको जो है वो फिर बाहर भेज दिया जाता है। सो लुक हाउ एफिशिएंट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कितना एफिशिएंट है, ठीक है। नाउ जो ज्यादा एक्टिव टिश्यू होगा, जितना ज्यादा एक्टिव टिश्यू होगा उसमें उतनी ही ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ये आपको कल भी मैंने बताया था। जैसे आप मसल्स की बात करें, हमारे मसल्स जो है वो बहुत काम करते हैं, तो ज्यादा एक्टिविटी करने की वजह से, ये जो हमारी रिएक्शन थी C6H12O6+O2, दिस विल फॉर्म CO2+H2O+ योर एनर्जी, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसको एनर्जी, किसी टिश्यू को एनर्जी की जरूरत होगी वो उतना ही ज्यादा अवेलेबल फूड को जो है वो तोड़ेगा, जितना ज्यादा अवेलेबल फूड को तोड़ेगा तो उसे उसे ब्रेक करने के लिए या उसकी ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए होगा। तो जैसे हम मसल्स की बात करें, जितना ज्यादा हमारा एक्टिव टिश्यू होगा, फॉर एग्जांपल मसल्स, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की कंजप्शन वहां हो जाएगी और उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन वहां होगी। तो ऑक्सीजन का कंटेंट यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीजन जो है वो यूज हो चुकी है, एंड द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट गोज ऑन इंक्रीजेस बिकॉज दिस रिएक्शन विल कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई भी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, किसको, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा इन टिश्यूज को, ताकि इनका काम जो है वो ठीक से चलता रहे। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। ये तो आगे जब हम नॉर्मली कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी हैवी एक्सरसाइज होती है तो जो आपका पार्शियल प्रेशर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 15 mm of Hg, तो यानी कि बहुत कम हो जाएगा। अगर आपको बेटा कल का डायग्राम याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है टिश्यू में कितना होता है, 20। देख रहे हैं आप, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे टिश्यू है वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया था, 20 हो गया था। लेकिन अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टिश्यू में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो और कम हो गया, क्यों, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन उसने कंज्यूम कर ली ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। तो ज्यादा जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा तो ऑक्सीजन का कंटेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेगा कौन, आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो अप्रोक्सीमेटली 15 mL of oxygen इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू। अगर आपको याद हो कल हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी, 5 ml की। नॉर्मल कंडीशन में कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है एक टिश्यू को सप्लाई होती है, 5 ml। तो सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही हमारा ब्लड जो है वो सप्लाई करेगा एक नॉर्मल टिश्यू को। लेकिन अगर आपका टिश्यू जो है वो एक बहुत हैवी एक्टिविटी कर रहा है या एक्सरसाइजिंग आपके मसल्स हैं, दे विल टेंड द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू रिलीज मोर ऑक्सीजन। अब 5 से
तीन गुन ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम मोर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में रिलीज होगी, एंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू विच इज 3 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है बेटा, ये जो है प्रदीप में दी हुई थी, तो ये लगभग आपके मॉडर्न वाले डेफिनेशन के जैसे हैं, बस नाम अलग है। जैसे हमने कल किया था मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, तो उसे यहां पे कहा है प्रदीप की बुक में पल्मोनरी वेंटिलेशन। हम दोनों ही नाम कर लेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन किसी भी नाम से आ जाता, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन या मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हमने कल भी किया था कि 1 मिनट में कितनी एयर जो है वो आप एक्सचेंज कर लेते हैं अंदर और बाहर, आपके लंग्स कितनी एयर का एक्सचेंज कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू द योर एल्वियोलर ब्लड। तो इसको अगर हमने निकालना है तो दिस विल इक्वल टू रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, इनटू टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ एयर विच इज नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। सो 12 × 500 इट कम्स आउट टू बी 600 ml पर मिनट। दैट मीन्स ml लिख दिया मैंने यहां पे, दैट मीन्स 6 लीटर ऑफ एयर विल बी एक्सचेंज बाय अ पर्सन बिटवीन a person and its outside environment in 1 minute, ठीक है। और alveolar ventilation ये तो आपको कल मैंने बता ही दिया था, तो ये आपने जो है वो definitions अच्छे से कर लेनी है। So this is all about your oxygen transport. In next video we will study about the transport of carbon dioxide and that is very very important, right?